इन दिनों लोग मेरा ध्यान नहीं रखते, वे पानी बर्बाद करते हैं और बारिश के पानी को इकट्ठा भी नहीं करते। पानी की बूंद ठीक कहती है, हमें गटसी सर की तरह बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। ओ घाड़सी सर, मैं वहाँ गई हूँ रामू। घाड़सी सर क्या है दादी माँ, वह कहाँ है? मीनू, सर का मतलब झील है। एक बार एक राजा था जिसका नाम घाड़सी था। ओ कहानी दादी माँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम तो हमेशा कहानी सुनने को तैयार ही रहते हो। बस घाड़सी जैसलमेर का राजा था। हमने अभी अभी भारत के मानचित्र में जैसलमेर देखा है। ठीक कहा, राजा घाड़सी ने 650 साल पहले अपनी प्रजा की मदद से इस झील को बनाया था। 650 साल पहले? ओह हे भगवान, वे कितने समझदार राजा थे दादी माँ। उन्होंने तब भी पानी इकट्ठा करने की ओर ध्यान दिया। हाँ, झील के चारों ओर सुंदर घाट थे जिनमें झील तक सीढ़ियाँ बनी थी। इन घाटों में सुंदर सजे हुए बरामदे, विशाल हॉल और अनेक कमरे थे। लोग यहाँ त्योहार मनाने आते थे। यहाँ नाच गाने के कार्यक्रम होते थे जिनका वे मजा लेते थे। बच्चे यहाँ पढ़ने और खेलने आते थे और सभी को इन घाटों पर बहुत आनंद आता था। ओह तब तो बहुत मजा आता होगा दादी माँ। क्या झील में पानी होता था? ओ हाँ मेरे बच्चे, झील में बहुत सारा पानी होता था। बारिश का सारा पानी बड़ी झील में इकट्ठा होता था। वह मीलों लंबी झील थी। झील के भरने पर अधिक पानी दूसरे झील में चला जाता था और इसी तरह ये क्रम चलता रहता था। यहाँ आपस में जुड़ी ऐसी 9 झीलें थीं। कितना सारा पानी! तब लोगों को पानी की कमी नहीं होती होगी। ठीक कहा, पानी की कोई कमी नहीं थी। घाट सीसर में लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया बारिश का पानी वर्ष भर प्रयोग किया जाता था। यह उनके लिए पर्याप्त था। दादी माँ, क्या आज भी घाट सीसर में पानी है? क्या अभी भी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने की समझदारी करते हैं? ओह नहीं मेरे बच्चे, आज गटसी सर नहीं है। इन झीलों के बीच में कई नई इमारतें और बस्तियां बन चुकी हैं। अब इन झीलों में बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता, बस बह जाता है और खराब हो जाता है। इसलिए अब पानी की कमी है और लोग भुगत रहे हैं। देखो आज लोग कितने नासमझ हो गए हैं। उन्हें बस इतना ही करना है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में प्रयोग करें। मगर वे बारिश के पानी को बेकार बहने देते हैं। उन दिनों लोग समझदार थे।